Hello my dear students, my name is Sunil Shinde, welcome to SHINDE’S chemistry techniques. चलिए आज हम लोग 11th के most important question, full chemistry, 11th का full chemistry देने वाला हूँ मैं आपको, और उसमें बताऊँगा करना क्या है, क्या नहीं करना, आपके ऊपर depend करता है वो, तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें से question आएंगे, वो सब आपको बताने वाला हूँ. चलो देखिए ज़रा इधर, उसमें मैंने पहला चैप्टर लिया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इसमें सभी में एक ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड से दो क्वेश्चन आ सकते हैं बस, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर आ सकते बोला है, वो तो मिक्स हो जाता है, दो क्वेश्चन कहने का मिक्स होने वाले हैं, तो आपको पहले सभी यूनिट्स कर लेना है इसकी, याद पूरी यूनिट्स में जो टिक मार्क किए ना वो अच्छे से कर लेना है, बाकी जो नहीं किए वो आपकी इच्छा, अगर पूरा करना है तो पूरा ही चाहिए, लेकिन जो अगर हो सकता है अभी कम टाइम है तो जो टिक मार्क कर रहा हूँ उसको कर लीजिए अच्छे से. लॉस ऑफ केमिकल पूरे लॉस करने हैं या पूरे यूनिट्स अपने जो पढ़े हैं पूरे कंप्लीट लिखा है मैंने, कंप्लीट यूनिट्स लर्न करना है, लॉस ऑफ केमिकल हमें कंप्लीट करना है जितने भी लॉस है पूरे, ठीक है ना. फिर मोल कॉन्सेप्ट, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, इसका फॉर्मूला याद करना है, मीनिंग याद कर लेना है और न्यूमेरिकल करके देख लेना है. परसेंटेज कॉम्पोजिशन का न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है. एटोमिसिटी सबको मालूम है, दो एटम है तो दो एटम से तीन है, तो ये तो आसान है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये तो सबको आता ही है, इसको छोड़ दीजिए. अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, ये करना है. इसके सारे मैंने इंपॉर्टेंट ठीक है, सब पे टिक मार कर रखा है मैंने. तो ये क्लासिफिकेशन मैटर मतलब आपका एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, ये सब कर लेना, कंप्लीट करना है इसको. ये इजी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये इजी है, ये इजी है. मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ क्लास से, सिर्फ न्यूमेरिक थोड़ी प्रैक्टिस करना है, परसेंटेज भी आसान है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना है. अब लॉस याद करना, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये पूरा जितना मैंने टीका इसको पूरा करना है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन 100% रहता है, उसके अंदर भी कोई चैप्टर आता भी नहीं, ऐसा भी बताए तो हमें, ठीक है. अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है. इसमें आपको मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस करना है बस, ये बॉयल्स लॉ ये ऑप्शन डाला है मैंने, इसको टिक नहीं किया मैंने, देखो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेज लुजैक लॉ, एवोगैड्रो लॉ नहीं किया मैंने, उसको आपको करना है, करना तो इतना ही करना है बस इसमें से. तो मेजरेबल में डेंसिटी पूरा करना है उसका, यूनिट्स के साथ करना है, आपके टेक्स्ट पूरा दिया, पूरा करना है डेंसिटी यूनिट, ठीक है, उसके फॉर्मूले सब, टेम्परेचर पूरा यूनिट, कन्वर्जन फेरनहाइट को डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, ऐसा करते आना चाहिए, इसमें आता है ये दो तो बहुत ज्यादा मत. फिर प्रेशर करना, वॉल्यूम करना, तो ये बेसिक ही आपको दूसरे फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में काम आएगा आपको, न्यूमेरिकल्स में, तो ये इतना करना है. दूसरा बॉयल, चार्ल्स, गे और एवोगैड्रो, अगर हो सकता है तो इसको ये पूरे लॉस याद करके जाइए बस, इसमें इतना ही करना है, ये दो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, उसके बाद इसमें से यही करना है बस, खत्म हो गया. चलिए नोट कर लीजिए. ओके अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत छोटा चैप्टर नॉमिनल है, इसको सभी को जनरली आता है, क्योंकि इसमें क्या आता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करते आने चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कैलकुलेशन करने आना चाहिए, और ये डी एफ कोऑर्डिनेशन एस ब्लॉक, मतलब एस पी डी एफ उनके साथ मिक्स हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन के साथ कि वहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर, इतने पाँच चैप्टर को मिक्स कर देता है, एस पी डी एफ और कोऑर्डिनेशन, तो उसके भी किसी का पूछ सकता है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब यही मेथड तो वही है, और उसका फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर ही आता है इसमें जनरली, और ये तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग आपको कर लेना है इसलिए, ठीक है ना, इसमें ये टिक कर दिया, ये कर लेना है. अब देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री, इसमें से भी एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल बड़ा चैप्टर है. देखो होमोजेनियस टिक कर दिया, होमोजेनियस कैटलिस्ट कंप्लीट करना है, हेटरोजेनियस कैटलिस्ट कंप्लीट करना है, और एंजाइम कैटलिस्ट, ये तीनों को कंप्लीट कर लेना है बस, ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये होने का कर सकते हो इनको कर लीजिए. मेथड्स ऑफ कॉगुलेशन कर लेना है, हार्डी सोल्स रूल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे बोल सकते हैं, टिंडल इफेक्ट सब जानते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस और ब्राउन मूवमेंट, बस इतना कर लेना, उसके अलावा तीन, एक दो तीन चार मैंने कर दिया इंपॉर्टेंट, बाकी आप अपने तरफ से एक्स्ट्रा ये कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा. ओके चलिए कर लीजिए नोट. ओके अब देखते हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है इसके अंदर, ठीक है ना. ये भी चैप्टर मिक्स होता है, कहीं के बॉन्ड एंगल यहाँ कुछ होगा ना तो ये मिक्स हो जाता है उसके साथ में, ठीक है ना. जैसे आपका पी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ, वहाँ भी मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसके आपके. तो इसमें बॉन्ड पैरामीटर्स सब कर लेना है, बॉन्ड ऑर्डर ये सब रहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सबसे मैं ठीक किया, देखो हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करना है, मतलब इसमें पूछते क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री, बस यही तीन पॉइंट पूछते हैं, इस तीन पॉइंट में ही कवर कर लेना है इसको कंप्लीट, मतलब इसमें कर लेना है. उसके बाद फिर वेस्पर थ्योरी कर लेना है, फिर मैं टिक किसको किया है, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. फिर एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये कर लेना बस इतना, टिक में दो ही किया हुआ है, ये दो पहले कर लेना, बाकी फिर टाइम के हिसाब से कर लेना है. फिर हाइड्रोजन एक ही मार्क का क्वेश्चन इसमें आता है, देख लीजिए जरा, तो इसमें हाइड्राइड्स, इसमें सिर्फ रिएक्शंस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोजन परऑक्साइड, बस ये दो इंपॉर्टेंट इसमें, बाकी हाइड्राइड्स पूरा कर लेना और यूजेस ऑफ हैवी वाटर, बस ये एक्स्ट्रा है दो, ये पहले दो करना है फिर बाद में इसको शुरू करना है,
जो टिक किया उसको पहले कर लेना है पहले राउंड में, दूसरे राउंड में जो बाकी बचे टाइम देखें कितना है, जो मैंने टिक कर रहा हूँ उसको पहले पहले निपटा दो, फिर बाद जो जो रह गए बाद में जो टिक नहीं उसको बाद में करना सेकेंड राउंड में, पहले राउंड में टिक वाले करना इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए। ओके अब देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें एक क्वेश्चन आता है तो ये देखो ये तीन पॉइंट जो टिक किए इसको अच्छे से कर लेना है, मतलब ये इसमें आ जाता है चार पॉइंट। ठीक है उसके बाद फिर आपको अल्केन्स में आइसोमेरिज्म काम का है और उसके प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉमिक, इसमें चारों करने हैं मतलब ये इजी है। तो देखो अभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एक क्वेश्चन एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, इसमें सिर्फ डिफरेंस पॉइंट जितनी भी है ना वो सब याद कर लेना है। ठीक है ना फिर डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम और मैग्नीशियम उसके सारे पॉइंट्स का लेना है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट कंप्लीट करना है इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट करना है उसकी प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी और कमर्शियली नाम किया जैसे इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ऐसा आपको कर लेना है। तो उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा दो डाला एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम, डिफरेंस पॉइंट कर लेना इसके भी, और डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर। फिर अल्केन्स की बात करते हैं तो अल्केन्स में एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आइसोमेरिज्म छोटा एक लिस्ट दी हुई है, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन मीनिंग और उसके लिस्ट याद करना है। फिर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स जिससे कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करना है अल्केन्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स और नॉमेंक्लेचर, बहुत आसान है इतना कर लीजिए, बचा एक चैप्टर बस अब बताता हूँ, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है ना ओके अब लास्ट चैप्टर ले रहा हूँ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस पर एक ही क्वेश्चन आता है। अब हो सकता है अब ये बेसिक चैप्टर ये करना तो पूरा ही चाहिए आपको ये जितना मैंने लिखा है इसमें, क्योंकि ये सारे बेसिक टर्म्स ये काम के हैं सर, ये अगर कर लिया तो आपको दूसरे चैप्टर में भी हेल्प करता है ये। तो इसमें अभी करना है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कलर टेस्ट देना, ठीक है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन्स ये कर लेना कलर टेस्ट है इंपॉर्टेंट है। फिर आईपीसी नॉमिक कंप्लीट कर लेना है, ये भी कंप्लीट करना है ये भी कंप्लीट करना है। उसके अंदर फिर इंडक्ट इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन होमोलिसिस हेट्रोलिसिस कार्बोकेटाइन कार्बनाइन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशन सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन ये अच्छा है ये कर लेना है। फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और अट्रैक्टिंग ग्रुप इनके एग्जांपल्स अच्छे कर लेना है, इनके एग्जांपल्स आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर कर लेना है एग्जांपल्स और उनके ऑर्डर अगर कर लिया तो और अच्छा रहेगा ऑर्डर। ठीक है ना ये करना। उसके बाद फिर एक कैलकुलेशन सिग्मा पाई आता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा डबल है तो एक सिग्मा एक पाई ट्रिपल है तो दो पाई एक सिग्मा खत्म हो गया बात खत्म हो गई, ये आसान है इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतने आपको अच्छे से कर लेना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ये चैप्टर भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक पर है ना उसके लिए। ठीक है ना चलिए इतना कर लीजिए, बाकी आप देखते हैं क्या होता है और मुझे बताइए और मैं क्या कर सकता हूँ देखूंगा मैं भी। ठीक है ना आप मुझे कमेंट्स में डाल के बताइए आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स के, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। ठीक है ना बहुत कमेंट्स आ रहे हैं तो देखता जितना मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसी के आंसर्स दे रहा हूँ। ठीक है ना चलिए ओके बाय, पढ़ते रहिए आपका 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे बेफिक्र रहिए। ठीक है चलिए ओके बाय।